हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कार्मिक है या सोलमेट है, अगर वो दोनों में से क्या है और दोनों का कार्मिक हो या सोलमेट हो। समझो, कार्मिक है तो सेपरेशन होता ही होता है और सोलमेट है तो ज़रूरी नहीं है सोलमेट भी साथ में रहें, सोलमेट का भी सेपरेशन होता है। तो हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी क्या है। कार्मिक सिचुएशंस के लिए मैं 3 कार्ड खोलूँगी और ना सोलमेट के लिए मैं 3 कार्ड खोलूँगी। देखो, किंग का ही कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन मेन पर्सन है इसके बीच में, वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। डेफिनेटली दोनों की तरफ एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लेते आपके पर्सन। तो उनका कार्मिक कार्ड मैं खोल रही हूँ और ये मैं उनका सोलमेट का कार्ड खोल रही हूँ। देखो, कार्मिक बहुत क्लियर आंसर है। मैं अच्छे पहले सोलमेट का रीड करती हूँ, फिर कार्मिक का बताती हूँ। सोलमेट में क्या आ रहा है, उनका हरमेट कार्ड आ रहा है, 4 of Swords आ रहा है और 6 of Wands आ रहा है। तो मतलब ये आपके पर्सन जब उन्होंने आपके रिलेशनशिप में गए थे, मतलब थर्ड पार्टी के साथ में, तो उस वक्त बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ में गए थे और उनको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप में उनको एक नेम फेम सब ऐसे कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक कुछ फ़ायदा उनको दिख रहा था या उनको कुछ लालच था, ये मैं बोल सकती हूँ आपके पर्सन को। या एक अपने फ्रेंड्स के सामने एक ना इम्प्रेशन जमाना था, ऐसे भी कुछ बोल सकते। किसी की सिचुएशन, हर सिचुएशन अलग अलग है, समझ रहे हो। या पेरेंट्स की एक नेम फेम थी या उसके वजह से, वो अगर सपोज़ ऑलरेडी मैरिड है तो मतलब समझ रहे हो, तो वो सिचुएशन भी एक हो सकती है कि उस वजह से कि उन्होंने वो उस रिश्ते में गए, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन ये 4 of Swords है, मतलब बहुत हीलिंग करने की कोशिश की गई इस रिश्ते को, इस रिश्ते को हील करने की, एक स्टेबलाइजेशन करने की बहुत मेहनत लग रही कि बहुत स्टेबलाइजेशन करे। लेकिन जब इतनी मेहनत लगती है कोई भी रिश्ते में, मतलब कोई इंसान इतनी मेहनत करता जा रहा है कोई रिश्ते पर, क्योंकि सोलमेट की रिलेशनशिप पर कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो अगर इतनी मेहनत की है, मतलब समझो, तो ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का। मैं आपको बोल देती हूँ, बहुत आपके पर्सन सोच रहे हैं अभी थर्ड पार्टी के बारे में क्या करें, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको पूछे कि आपके पर्सन का अगर थर्ड पार्टी के में कार्मिक कनेक्शन है, तो 100% हम क्वेश्चन हम जैसे पूछ रहे हैं, तो 100% आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं इस रिश्ते से, मतलब थर्ड पार्टी रिश्ते में गए थे या है एट प्रेजेंट, जैसे भी आपकी सिचुएशन है। तो बहुत मतलब ये पर्सन ने आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ाई है, ऐसे बोल सकते हो, या नींद उड़ाने वाले हैं। क्योंकि ये पार्टनरशिप में, ये पार्टनरशिप उनका डेफिनेटली एक ऐसे बोलते हैं ना, वो कार्मिक कनेक्शन है। और ये सोचे थे, गए थे तो ये क्या, ये जो थर्ड पार्टी है उनकी विश फुलफिलमेंट थी, उन्होंने एक मटेरियलिस्टिक रिश्ते दिख रहा है, कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ये रिश्ते में थे कम्प्लीटली। और बहुत मुझे लग रहा है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पे बहुत पैसा भी स्पेंड करना पड़ा होगा या कर रहे होंगे, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है इस पार्टनरशिप के अंदर। मतलब ये थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी का 3 of Pentacles का ही कार्ड खुल रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस डेफिनेटली है और एक 9 of Swords है। मतलब इस रिश्ते में बहुत रोना पड़ रहा है या रोना पड़ेगा आपके पर्सन को, आप ये याद रखिएगा ना। और पर्सन 9 of Cups का कार्ड है, तो मनी भी स्पेंड करना पड़ सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन एक सच्ची अच्छी बात क्या, ये रिश्ते की एंड डेफिनेटली आएगी। फिर भी हम एक कंफर्मेशन कार्ड तो खोलेंगे कि इसमें ये रिश्ते का एंड होगा कि नहीं होगा, मतलब कार्मिक रिश्ता है या सोलमेट कनेक्शन। सपोज आपको लगता है एक पर्सन लग भी रहा है सोलमेट, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है सोलमेट है, लेकिन तो ये एक रिश्ते की एंड होगी। दोनों की एक देख लेते हैं, दोनों की एक एक कार्ड खोल के। इसमें अगर आपको देखो 100% ये एंड आ रहा है, अगर सपोज आपको एक पर्सन भी लग रहा है कि मेरे पर्सन का सोलमेट कनेक्शन है अपने थर्ड पार्टी के, तो ये 100% एंड होते दिख रहे हैं। 3 of Swords ही ओपन हो गया है, समझ रहे हो। 3 of Swords डिसीट का कार्ड भी होता है, 3 of Swords ये पर्सन को धोखे मिलने का कार्ड भी होता है। तो ये सोल हो सकता है कि सोलमेट के चोला पहने एक कार्मिक आपके पर्सन के साथ में हो, समझ रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और आपको ये डाउट आ रहा है ये कार्मिक है कि नहीं है, तो ये प्लीज़ डाउट निकाल दीजिए। और एक कार्मिक के साथ में रिलेशन एंड होगा कि नहीं होगा, तो ये भी डाउट निकाल दीजिए कि 100% एंड होगा। दोनों कार्ड बहुत आपके लिए एकदम फेवरेबल खुला है एंड के लिए, क्योंकि तीनों दोनों एंडिंग कार्ड है, 9 एंडिंग कार्ड है प्लस 3 of Swords, सो कम्प्लीटली नो का ही कार्ड होता है। तो समझ रहे हो, तो ये आपके सिचुएशन में ये कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।